बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स क्लास 10, अब आप 10 में तो आ गए हुए हैं लेकिन आपको मैथ समझ में कोई नहीं आएगी, लेकिन जब तक कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। चैप्टर 1 पीछे हम करवा चुके थे पिछले सिलेबस में मई में, अब जून में हमने कल चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं। आज हमारी एक्सरसाइज है 2.1 जो है ये एक्सरसाइज थोड़ी सी टिपिकल एक्सरसाइज है, शॉर्ट भी देती है और लॉन्ग क्वेश्चन भी देती है, और मैंने कोशिश की है कि उन क्वेश्चंस को आपको करवाऊं जो बोर्ड एक दफ़ा या दो दफ़ा या ज़्यादा बार दे चुका है। बाकी जो क्वेश्चन एक आधा आगे पीछे होगा वो क्वेश्चन फिर इंशाल्लाह आपको जब स्कूल खुलेंगे तो बोर्ड में करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, अब डिस्क्रिमिनेंट आपको मालूम करना चाहिए किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। आइए, फर्स्ट पार्ट है 2x² + 3x - 1 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप बताइए इसके कोफिशियंट कौन कौन से हैं। a = 2, b = 3, c = -1। ये पिछले चैप्टर 1 में आपने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। यहां पे आइए तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² - 4ac, याद रखना है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² - 4a। डिस्क्रिमिनेंट b की वैल्यू 3, 3² - 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -1, तो 9 + 8 - - +2, 4 = 8, 17 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 17 आ गया, है ना, इजी वाली बात। इसका सेकंड पार्ट खुद कीजिएगा, फोर्थ पार्ट खुद कीजिएगा, थर्ड पार्ट देखें। बड़ी वैल्यू थी 9x² - 30x + 25 = 0। ए क्या है 9, b = -30, c = 25, d = b² - 4ac, बी की वैल्यू -30 - 30² - 4ac, a 9, c 25। 4 9 = 36, 36 × 25 = 900, तो 900, 30² - 900, 900 - 900 = 0, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। पहले सवाल के 4 पार्ट थे, 2 मैंने किए, 2 आपके लिए छोड़े, सेम कॉपी करने हैं। सेकंड क्वेश्चन के भी 4 पार्ट हैं, 2 मैं कर रहा हूं, 2 आपको छोड़ रहा हूं, और इसमें आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और उसकी रूट्स की नेचर मालूम करनी है, और इससे आगे भी लिखा हुआ है वो फिर आपको हम समझाएंगे जब आप थोड़े से हमारे साथ बैठेंगे तो, क्योंकि उसके लिए फिर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ता है कि चेक करने के लिए। फिलहाल आप यहीं तक करेंगे फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, आगे मैंने सवाल का दूसरा हिस्सा नहीं लिखा एंड चेक बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो चेक मैंने छोड़ दिया है, इसलिए छोड़ा है कि वो आपको पास बिठाकर समझाना है। फर्स्ट पार्ट है x² - 23x + 120 = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पर a 1 है, b -23 है, c 120 है, क्लियर। डिस्क्रिमिनेंट लगाइए, डिस्क्रिमिनेंट क्या है b² - 4ac, इसमें वैल्यू फीड कर दें तो d = -23² - 4a1c120। -23² क्या हो गया 529, -4 120 = 480। अब 529 - 480 तो क्या आंसर आएगा 49। 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 7 7 = 49, तो वो वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट का वो आंसर जो परफेक्ट स्क्वायर हो और पॉजिटिव हो, परफेक्ट स्क्वायर हो और पॉजिटिव हो, ऐसे रूट्स को हम रैशनल और अनइक्वल रूट्स कहते हैं। दोबारा सुन लें, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर एक पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर आए तो उस रूट्स को हम क्या कहते हैं, रैशनल और अनइक्वल, रैशनल और अनइक्वल, याद रहेगा बच्चों को। जी ये इसके करैक्टर्स हैं डिस्क्रिमिनेंट के, इसका फोर्थ पार्ट है, सेकंड और थर्ड खुद कीजिएगा, ना समझ में आए तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। 3x² + 7x - 13 = 0, यहां पे a 3 है, b 7 है, c -13 है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² - 4ac, वैल्यू फीड करें 7² - 4 × a × c, 7² = 49 + 4 = 12, 12 = 13 = 156 - - +।
जी डी इज इक्वल टू 205, 49 प्लस 156, 205। अब 205 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों? 10 10s 100, 11 11s 121, 12 12s 144, 13 13s 169, 14 14s 196, 12 15 15s 225। 205 बीच में कहीं नहीं आया, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स इरेशनल और अनइक्वल है। मैंने ये दो सवाल इसलिए चूज किए थे, तो ये दोनों, एक परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल और अनइक्वल है, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल और अनइक्वल है। अब दो रूट्स और हैं, वो मैं आपको बता देता हूं जबानी, और उसमें अगर ये आपका आंसर यहां पे डिस्क्रिमिनेंट का माइनस आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो फिर आपके रूट्स इमेजिनरी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इमेजिनरी कहलाएंगे, क्योंकि उसका परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, तो इमेजिनरी कहलाए, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जीरो आ जाए तो रूट्स आर इक्वल, और रियल जो है वो सब होते हैं सिवाय इमेजिनरी के। इसके साथ भी आप रियल लिख सकते हैं, रैशनल अनइक्वल एंड रियल। इसके साथ भी आप लिख सकते हैं, रूट्स आर इरेशनल अनइक्वल एंड रियल। और अगर इज इक्वल टू जीरो आ जाए तो उसके साथ भी आप लिख सकते हैं, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। लेकिन अगर रूट्स माइनस में आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर माइनस में आ जाए, तो रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। रियल नहीं लिखना, इमेजिनरी जो होते हैं फिर वो रियल नहीं होते। जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? अब आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले जाएंगे हम लोग। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, के की कौन सी कीमत के लिए द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। यानी आप वो कह रहा है कि के की किस कीमत के लिए, कौन सी के की अगर वैल्यू के की जगह पुट की जाए तो ये एक एक्सप्रेशन जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। जी आइए स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करते हैं। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन में जाते हैं, तो आपके पास इक्वेशन यानी एक्सप्रेशन कौन सी है, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। ए क्या है? के स्क्वायर। बी क्या है? 2 इंटू के प्लस 1। सी क्या है? 4। तो डिस्क्रिमिनेंट लगाया बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। अब चूंकि इसको इक्वल टू करेंगे नहीं करेंगे